रात्रि स्थापना और मैंने और मम्मी ने अच्छे से मंदिर साफ करके फोटोज़ अच्छे से लगा दी हैं। अब हम थाली तैयार कर रहे हैं पूजा के लिए। हाय गाइस, आई एम दिव्या त्यागी और जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये मेरा व्लॉग है। आज से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और नवरात्रि स्थापना से बेस्ट दिन आई थिंक कोई नहीं हो सकता कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट टुडे। आज फास्ट है तो मैं खा ली केला और मम्मी पी चुकी है अपनी चाय। मिलवाऊंगी आपको अपने सारी फैमिली मेम्बर्स से, स्पेशली मम्मी से। तो जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होंगी मैं मिलवाऊंगी। चावल ना हमारे यहाँ इस तरह से बनते हैं, ये बॉईल करके और फिर उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेन कर देते हैं अलग और चावल निकाल लेते हैं उसमें से इस तरह। इससे इसका सारा स्टार्च निकल जाता है इसमें और सिर्फ खाने के लिए हमें टेस्टी टेस्टी चावल मिलते हैं, मम्मी कहती है ऐसा। ये बन गए हमारे चावल। अब बस दाल बनाएंगी मम्मी और ये एक गीला कपड़ा मैं उसके ऊपर डाल दूँगी जिससे कि इनमें मॉइस्चर बना रहेगा और ये ड्राई नहीं होगा।
और बाकी सब कैमरे में कब तक आएंगे कब तक नहीं मुझे नहीं पता, बट मम्मी से मिलवा लेती हूँ। मेरी मम्मी मेरी मम्मी खाओ शरीफे खाओ दोस्त। मुझे व्लॉगिंग आई नहीं है, इन्हें पूरी आती है ना। क्या खा रही हो? सीता वो ही फायदे बंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सीता फल। गाड़ी का तड़का इसमें जरूरी होता है। बोल रही है तो बोल रही ना फोन रखे राई की दाल के हैं। मेरी मम्मी राई और मिट्टी ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यार। ये देख रहे हो आप, खुद लोड कर सकते हो कि मैंने फ्रूट्स छील के रखे हैं, उनका मैं जूस निकाल रही हूँ मम्मी और मेरे लिए भी, और मेरे भाई भी जिम गए हैं तो वो लोग भी आके लेंगे। दवाई ले रही हूँ मैं, फास्ट में भी दवाई लेनी पड़ रही है यार। मुझे ना अभी कुछ दिनों पहले जुकाम हुआ था, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कोल्ड या फिर कफ होके आता है तो फिर मुझे बहुत गले में मतलब प्रॉब्लम टॉन्सिल होने लगते हैं, टॉन्सिल तो मैं दवाई ले रही हूँ। हाफ ही लेनी आई थिंक सही होगी, आज फास्ट है। I just hate allopathic medicines यार, मुझे इनसे पेट में इतना जलन इतनी दर्द होता है ना, मुझे बिल्कुल सूट नहीं आती है, बट क्या करूँ टॉन्सिल और जुकाम, मतलब कोल और टॉन्सिल ये दो चीज़ें जिसमें मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। क्या करूँ यार दवाई लेना बिल्कुल भी। आज मैंने आपको सबसे मिलाया नहीं, सबसे नहीं सिर्फ मम्मी से मिलाया, देखती हूँ और अब रात तक कौन कौन मेरे व्लॉग में आता है, बट भाई नहीं आएंगे इतना जल्दी नहीं आएंगे, बट मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं सबसे मिलवाऊँ, मतलब मेरी फैमिली से तो सब मिलवा ही दूँ आपको। और अभी तो स्टार्टिंग है ये, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसके बाद जर्नी होपफुली बहुत लंबी जाएगी, एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। बस और क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक ना व्लॉगिंग उन लोगों के लिए बहुत इजी है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बोलते हैं या बट मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं इनफैक्ट मम्मी के अलावा इतनी किसी से बात भी नहीं करती, बट करना पड़ रहा है, ठीक है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बोलने की। और आई डोंट नो आज आप लोगों को फील हो रहा है या नहीं, बट मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, थोड़ा सा लगता है ना स्टार्टिंग के आते व्लॉग सब कैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डर तो लगता है, मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं, या फिर कैसा लग रहा होगा आप लोगों को जो भी देख रहे हैं उन्हें, पता नहीं यार थोड़ी सी फिक्र होती है, बट आई एम श्योर धीरे धीरे जैसे होगा व्लॉग्स जाएंगे उधर से कमेंट आएंगे एक रिलेशन बिल्डअप होने लगेगा, तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। मैं सो गई थी थोड़ी देर, मुझे लगा थोड़ा सा बेटर लगेगा, सो जाती हूँ रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा मेडिसिन लेके, और मैंने सिर्फ हाफ ही टैबलेट ली थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मुझे बिल्कुल सूट नहीं आती एलोपैथिक मेडिसिन, और भूखे पेट तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, बट मैंने सिर्फ हाफ ले ली थी, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम बचपन से है,
बट ये है कि अभी इतना फ्रिक्वेंटली होते नहीं है, कभी जल्दी से मुझे खांसी या जुकाम हो जाता है वो ठीक हो जाएगा उसके बाद ज़रूर मिलते हैं, बट हो जाता है। ये मैं यहाँ सैंडविच बना रही हूँ शुभम के लिए, उसकी फरमाइश थी कि मुझे सैंडविच खाना है। शाम को चाय पे ज़्यादातर सैंडविच या ब्रेड हो ही जाता है घर पे, तो हम लोगों का तो फास्ट था, उसने कहा मुझे पनीर की सैंडविच बना के दे। तो मैं यहाँ पे स्लाइस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ और बस सिंपली इसमें पनीर के स्लाइस रख दूँगी। हमारे घर पे पनीर सबसे ज़्यादा मतलब एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है हर किसी का, सब्ज़ी सैंडविच पराठा मतलब हर चीज़ में पनीर इतना पसंद है ना हर किसी को कि बस फर्स्ट चॉइस हमेशा पनीर होती है। ये बस हम मैंने यहाँ पे स्लाइस रख दिए हैं पनीर के, और बस मैं इसे ग्रिल कर लूँगी दोनों तरफ घी लगा कर थोड़ा सा। और मैंने इसमें नॉर्मल सॉल्ट नहीं MDH का चाट मसाला ऐड किया है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनमें, एंड आई थिंक इसके अलावा और फिर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है। मैंने पी लिए चाय, मम्मी ने और मैंने चाय और चिप्स, और मेरे भाइयों ने चाय और सैंडविच खाए जो मैंने आपको दिखाए थे। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।